हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा आपके साथ। अगर आपका बच्चा नर्सरी में है और उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो अक्सर पेरेंट्स जो हैं इस बात को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कराएं, उसे क्या पढ़ाएं और उसे कैसे सिखाएं कि बच्चा जो है पढ़ाई को इंजॉय कर सके, उसमें इंटरेस्ट ले और उसे याद भी रहे। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि बच्चों को पढ़ाने का सही तरीका क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि बच्चों के पढ़ाने की सही टेक्निक क्या है और टीचर जो है एग्ज़ाम में बच्चों से किस तरह से क्वेश्चन पूछती है, उसका भी पैटर्न मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरी सारी वीडियो से अपडेट रहेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैं आपको नर्सरी क्लास में हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि बच्चे की प्रिपरेशन आपको कैसे करानी है और टीचर जो है बच्चे से किस तरह से क्वेश्चंस करती है। सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट लेते हैं। इसमें क्या होता है, नर्सरी क्लास में बच्चे को 8 से लेकर जेड तक कैपिटल ABCD सिखा दी जाती है। तो ये पहला क्वेश्चन है, राइट A to Z। इसमें बच्चे को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, इस तरह से बच्चे को पूरी ए से लेकर जेड तक ABCD राइट करनी है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। टीचर जो है बच्चे से ABCD फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी पूछ सकती है। तो ए के बाद B, C, फिर डी के बाद E, F, G, जी के बाद आता है H, I के बाद आता है J। जैसे आप बच्चे से प्रैक्टिस करा सकते हैं, आप उससे पूछ सकती हैं, बेटा K के बाद क्या आता है, L, तो बच्चा यहाँ पे L लिखेगा। तो आपको इस तरह से प्रिपरेशन करानी है। तो थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर। इसमें बच्चे को पिक्चर को देखनी है और पिक्चर देख करके उसका फर्स्ट लेटर लिखना है। जैसे ये क्या है, मैंगो, तो मैंगो का M लिखना है, तो यहाँ पे बच्चा लिखेगा M। ये क्या है, बॉल, तो B फॉर क्या होता है, बॉल। आपको ऐसे बच्चे से पूछना है, बेटा ये क्या है, तो बच्चा बोलेगा ट्री, तो T फॉर ट्री होता है। बेटा ये क्या है, फिश, तो F फॉर क्या होता है, फिश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्किल द करेक्ट लेटर। अब इसमें एक पिक्चर दी हुई है, पिक्चर से रिलेटेड जो अल्फाबेट सही है उस पे बच्चे को सर्कल बनाना है। अब ये क्या है, अम्ब्रेला, तो U फॉर अम्ब्रेला होता है, तो अम्ब्रेला पे बच्चे को सर्कल बनाना है। अब ये क्या है, आइसक्रीम, तो यहाँ पर 3 अल्फाबेट दिया हुआ है, K I A, तो आपको बच्चे से पूछना है, बेटा ये क्या है, बच्चा बोलेगा आइसक्रीम, तो आपको बोलना है कि आइसक्रीम पर सर्कल बनाओ। तो इस तरह से आपको बच्चे को घर पे प्रैक्टिस करानी है। देखिए, आप बच्चे को ये कॉपी में भी बनाकर दे सकती हैं। मैंने यहाँ पर चार्ट पेपर यूज़ किया है, क्योंकि चार्ट पेपर यूज़ करने से क्या होता है कि बच्चे जो है इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसी कलरफुल पिक्चर्स देखते हैं, कलर पेपर देखते हैं, तो बच्चे और ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और पढ़ाई को इंजॉय करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग, मैच द लेटर्स विद द पिक्चर्स। एक तरफ लेटर्स दिए हुए हैं, एक तरफ पिक्चर्स दी हुई है। अब बच्चे को लेटर से पिक्चर को मैचिंग करनी है। जैसे G फॉर क्या होता है, G फॉर ग्रैप्स, तो बच्चा G से ग्रैप्स को मैच कर देगा। H फॉर हैट, D फॉर डक, A फॉर एप्पल, तो ये हो गया मैचिंग। देखिए, अगर आप बच्चे को ये सारी शीट्स एक साथ मत दीजिएगा, आप खेल खेल में दो दो शीट्स दीजिएगा, जिससे बच्चा बोर भी ना हो और पढ़ाई को बहुत ज़्यादा बोझ भी ना समझे। तो ये तो हो गया इंग्लिश सब्जेक्ट। अब मैं आपको हिंदी के बारे में बताने जा रही हूँ कि आपको घर पर बच्चे को कैसे हिंदी प्रैक्टिस करानी है। देखिए, बच्चे से क्वेश्चन पूछने का तरीका तो यही है एग्ज़ाम में, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं स्कूलों में कुछ डिफरेंट भी हो या कुछ अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आप इसके लिए टीचर से कंफर्म कर सकती हैं, आपका बच्चा जिस भी स्कूल में पढ़ता हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ से अह तक लिखिए। देखिए, नर्सरी क्लास में बच्चे को अ से अह तक लिखना सिखा दिया जाता है स्टार्टिंग में। तो बच्चा यहाँ पे अ लिखेगा, छोटा अ से अनार, फिर बड़ा अ से आम। तो आपको इस तरह से बच्चे को छोटा बड़ा की प्रैक्टिस करानी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। छोटा आ से अनार, छोटा आ के बाद क्या आता है बेटा, बड़ा आ, तो आपको क्या लिखना है, बड़ा से आम,
फिर है छोटी से इमली, यहाँ पर लिखेगा, यहाँ पर बच्चा क्या लिखेगा, बड़ी से ईख, फिर छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, ऋषि, री से ऋषि। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या होता है कि शीट्स में देने से बच्चे जो है ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उनको बोझ भी नहीं लगता। आप चाहें तो इसे कॉपी में भी करा सकती हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, चित्र देखकर पहला अच्छा लिखिए। बच्चा यहाँ पर चित्र देखेगा और उसको देख करके पहला अच्छा लिखेगा। जैसे ये क्या है, आम, तो बड़ा आ से आम होता है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, बड़ा आ। अब इस शीट्स में इस तरह से कराने से और पिक्चर को दिखाने से एक फ़ायदा ये भी है कि आप यहाँ पर बच्चे से क्वेश्चन भी कर सकती हैं। अगर बच्चा आपका कलर को ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, वो कलर में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कई बार बच्चे जो होते हैं कलर्स में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर पूछ सकती हैं, बेटा यह मैंगो किस कलर का है, तो बोलेगा येलो। इसकी पत्ती किस कलर की है, तो ग्रीन। ये कौन सा कलर है, तो रेड। तो आप यहाँ पर बच्चे से कलर्स के बारे में भी पूछ सकती हैं। अब ये क्या है, अनार, तो छोटा से अनार। अब ये अंगूर, तो अंग से अंगूर। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब ये हिंदी का लास्ट वर्कशीट है, इसमें क्या है, अक्षरों को चित्रों से मिलाइए। जैसे मैंने इंग्लिश में बताया था अल्फाबेट्स को पिक्चर से मिलाना था, सेम वैसे ही सेम हिंदी में भी है। अब जैसे क्या है, छोटी से इमली, तो इमली कहाँ पर है, यहाँ पे, तो बच्चे को इससे ऐसे मैचिंग करानी है। बड़ा से आम, आम कहाँ पर है, ये ऐसे लाइन ड्रॉ करानी है। बड़ा उसे ऊन, ए से एरी, अंग से अंगूर। तो ये हो गया मैचिंग। तो देखिए अगर इस तरह से आप अपने बच्चे को देती हैं तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं और बहुत इंजॉय भी करते हैं। अब मैं आपको लास्ट सब्जेक्ट मैथ्स का बताने जा रही हूँ। देखिए नर्सरी क्लास में बच्चे को 1 से लेकर 50 तक सिखा दिया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट नंबर्स 1 to 50। तो बच्चे को यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं, 1, 2, 3, 4, तो ऐसे बच्चे को लिखना है। तो आप देखिए अगर आपका बच्चा नर्सरी क्लास में है, वो पहली बार लिखना सीख रहा है, तो आप ऐसे बड़े ब्लॉक वाली ही कॉपी को यूज़ करिएगा, क्योंकि बच्चों की अभी इतनी हैबिट नहीं होती है कि वो मैथ्स वाली कॉपी में अभी लिख पाए, तो स्टार्टिंग में बच्चे इस बड़े बड़े ब्लॉक वाली कॉपी में ही लिखते हैं। मैंने यहाँ पर चार्ट पेपर पर ये ब्लॉक्स बनाए हैं, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकती हैं। तो इस तरह से आपको बच्चे को 1 से लेकर 50 तक लिखवाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, 1, 2, 3, फिर 4, 5 के बाद क्या है, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको बच्चे को इस तरह से प्रैक्टिस करानी है। अब थर्ड क्वेश्चन है मैथ का मैचिंग, मैच द फॉलोइंग नंबर्स। एक साइड नंबर्स लिखे हुए हैं, दूसरी साइड भी नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है 15, तो बच्चे को इधर भी 15 सर्च करना है और उसको मैचिंग कराना है। तो 15 इधर इस साइड कहाँ पर है, यहाँ पे, तो ऐसे लाइन बच्चे को ड्रॉ करानी है। 8 कहाँ पर है, ये, तो 8 को लाइन मैच करानी है। 11, इस तरह 11 को मिलाना है। 7, फिर है 10, 16 और 12। तो ये हो गया मैचिंग। अब मैथ्स का लास्ट ये वर्कशीट है और लास्ट क्वेश्चन है काउंट एंड राइट। बच्चे को ये पिक्चर्स को काउंट करना है और फिर इस बॉक्स में लिखना है, जितनी ये पिक्चर्स होंगी उसे काउंट करके इस बॉक्स में लिखना है। जैसे यहाँ पे कितनी पिक्चर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर क्या लिखना है, 5। पहले देखिए बच्चे को आप ऐसे वर्कशीट दे मत दीजिएगा, आपको बच्चे को पहले समझाना है, उसे पूछना है, फिर उसे बताना है कि बेटा यहाँ पर ये लिखो। आप कई बार इस तरह से प्रैक्टिस घर पे कराएंगे तो बच्चा जो है खुद हैबिचुअल हो जाएगा, और जब आप लास्ट में से वर्कशीट देंगे तो बच्चा खुद ही से काउंट करके लिखने लगेगा। पर स्टार्टिंग में आपको बच्चे को ये समझाना होगा। अगर बच्चा नहीं भी लिख पा रहा है तो आपको उसको बार बार ऐसे बता सकती हैं कि बेटा इसको काउंट करो, काउंट करने के बाद जितना आएगा उतनी नंबर यहाँ पर लिखनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पर 12 लिखना है। देखिए इतना तो एग्ज़ाम में बच्चे की टीचर भी हेल्प बच्चों को करती है, वो क्वेश्चन बच्चे को समझा देती है और उसे बता भी देती है कि बेटा आपको यहाँ पर ऐसे काउंट कर करके फिर यहाँ बॉक्स में लिखना है। तो इतना आप बच्चे को घर में हेल्प कर सकती हैं अगर आप उसका टेस्ट या एग्ज़ाम की तरह से प्रिपरेशन करा रही हैं या उसका टेस्ट ले रही हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्कल द करेक्ट नंबर्स। अब
यहाँ पर कुछ बैलून्स दिए हुए हैं और कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जितने ये बैलून्स होंगे आप उसको काउंट करेंगे और उस करेक्ट नंबर पर सर्किल बनाएंगे। जैसे कितने बैलून्स हैं यहाँ पे, सबसे पहले काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे कितने नंबर्स दिए हैं, 11 5 7, यहाँ पर कितने बैलून्स हैं, 11, तो 11 पर बच्चे को सर्कल बनाना है। सेम यही प्रोसेस स्टार में भी फॉलो करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 कहाँ पर है, ये तो 14 पर सर्किल बना दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ लाइंस ऑफ द गिवन नंबर्स। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं इन दोनों पिक्चर्स में, बच्चे को उतनी ही लाइन इस नीचे बॉक्स में ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर क्या नंबर दिया हुआ है, 5, तो आप बच्चे को 5 लाइंस जो है ड्रॉ करनी है। यहाँ पर क्या नंबर है, 2, तो बच्चे को यहाँ पर 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। तो ये हो गई मैथ्स की वर्कशीट। तो ये है बच्चे के पढ़ाने की सही टेक्निक, क्योंकि अगर आपने बच्चे को कॉपी दे दिया और उसमें उससे बोल दिया कि बेटा ए से लेकर जेड तक लिख दो, 1 से लेकर 50 तक लिख दो, और आपको लगेगा कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपने करा दी है, तो ये सही नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो टीचर है वो बच्चे का माइंड चेक करती है कि बच्चा हर तरह से कर पा रहा है कि नहीं। वो बच्चे से फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी पूछ सकती है, बच्चे से मैचिंग के रूप में भी पूछ सकती है कि बच्चा जो है हर तरह से अल्फ़ाबेट्स को, लेटर्स को, नंबर्स को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि नहीं, उसे लिख पा रहा है कि नहीं। तो अगर आप इस टेक्निक से बच्चे की प्रिपरेशन घर पर कराते हैं तो आपके और आपके बच्चे की बहुत हेल्प होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करिए जिनको बच्चे को पढ़ाने का सही तरीका नहीं मालूम है, या वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चे के एग्ज़ाम में कैसे आएगा, टीचर किस तरह से बच्चे से पूछ सकती है, कैसे क्वेश्चन दे सकती है, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी अगर आप ये वीडियो को शेयर करेंगे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।